नमस्कार, क्यूएन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हसनैन शेख। सूरत शहर मान दरवाजा विस्तार में रहती एक पीड़ित महिला ने लोक समस्या निदान केंद्र में इंसाफ की गुहार लगाई। पिछले 3 साल से भावनगर रहवासी और कामरेड अमोली 4 रास्ता पानी की टाकी के पास रहने वाला सलीम घांची नाम के व्यक्ति ने बच्चे को मार देने की धमकी देकर कई बार किया महिला के साथ शारीरिक शोषण। पिछले 3 साल से इस आदमी के चुंगल में फंसी पीड़ित महिला ने सलावतपुरा पुलिस स्टेशन में की फरियाद, लेकिन पुलिस के फरियाद नहीं लेने पर पीड़ित महिला ने इंसाफ के लिए लोक समस्या निदान केंद्र में दर्ज करवाई अपनी फरियाद। पीड़ित महिला की फरियाद को लेकर लोक समस्या निदान केंद्र द्वारा सूरत शहर पुलिस कमिश्नर साहब को आवेदन पत्र देकर इंसाफ की मांग की कि पीड़ित महिला को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। मैं ये हजार लेके पुलिस कमिश्नर के पास में कि मुझे इंसाफ मिले और मैं केस ये करूं। क्या घटना हुई? तो घटना ये हुई है कि सामने वाला व्यक्ति सगे में था और उसने मतलब हमारे घर आया हुआ था कि दुकान चाहिए, मतलब मैं और इलेक्शन में मामा लगता था, तो हम लोगों को बोला कि दुकान चाहिए, तो बोला ठीक है दिला देंगे हमने, ऐसा उनको बोला। तो व्यक्ति सामने वाला आया हमारे घर, 2 महीना रुका और 2 महीने के अंदर उसने गंदी निगाह मतलब मुझ पर डाली। तो हमने बोला कि अभी, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला तुम यहाँ से चले जाओ कपड़े लेके। उसने बोला नहीं मुझे और रहने दो, तो बोला नहीं तुम्हारी नीयत में खोट है, तो बोला नहीं। फिर मेरे हस्बैंड इतना भूल गए काम पे, वो चले गए और इसने देखा मौके का फ़ायदा उठा के इसने गलत दरवाज़ा बंद कर, घर में कोई नहीं था, इसने गलत इस्तेमाल किया मेरे साथ। क्या नाम है उसका? नाम उसका सलीम घाची है, भावनगर का रहने वाला है। कितनी बार गलत काम किया है इसने? लगा था अभी तो इतना ही किया था यहाँ पे घर पे, उसके बाद में यहाँ पे इसने मुझे टॉर्चर बहुत किया, उसके बाद में मैंने अपने घर पे बताया नहीं, इस ये बारे में भी नहीं बताया। फिर मैंने छुपाती रही कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं। इसने मेरे माँ बाप की धमकी और मेरे बच्चों पे और मेरी बहन लोगों पे भी धमकी दी, क्योंकि इसने मेरे पापा को 2 बार भी चाकू दिखाया और मुझे भी छुरी पे बोला कि अगर से तू बता देगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। पुलिस की धमकी दी कि मुझे भावनगर के कापोतरा के पुलिस वाले PI है मेरे पास में, ऐसे तू करेगी तो मैं PI के पास में तेरा गलत गलत ये कर दूंगा। मतलब मुझे बोला के डरा के बताया कि हर फेरी वो तलवार पे मुझे नचाता था कि बोले तू नहीं करेगी तो मैं तेरा ऐसा कर दूंगा। इसने फिर अम्बोली में घर लिया, 2 साल तक का मुझे लगातार वहाँ पर रखा, अखा दिन रखता था। इसने मेरे साथ गलत किया, मुझे बस इतना चाहिए कि मुझे इंसाफ चाहिए। ये घटना हुई तो कितनी बार आप पुलिस थाने में? मतलब पुलिस थाने में हम लोग गए इसके बाद में कि मुझे इसने किडनैप कर लिया था, मुझे घर नहीं आने दिया, मैं जैसे तैसे करके इसने मुझे 2 दिन वहाँ रखा और इस फिर मैं वहाँ से भाग के चली आई। फिर वहाँ पे पुलिस केस में मेरे हस्बैंड ने लिखाई थी, तो बोले मैंने केस किया, तो मैं पुलिस चौकी में गई कि मैं